गुड मॉर्निंग टुडे वी विल स्टार्ट विद द पॉलीनोमियल्स यू नो इन योर एग्जाम्स एक्सरसाइज 2.1 2.2 एंड 2.3 इज गोइंग टू कम राइट एंड एमसीक्यूज विल आल्सो बी देयर दो इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर बट एमसीक्यूज विल आल्सो बी देयर सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्यू एमसीक्यूज राइट सो आई एम गोइंग टू share the MCQs with you. You will try like 4-5 MCQs together. You will try and then we will discuss. Just one second. So I am allowing you to unmute yourself. You all will raise hand. Jiska naam lungi, bas wohi bacha answer dega. Theek hai? After raising the hand. Fine. So first question, x square minus 2x plus 1 is a polynomial in dash variable. Yes. 2 variable. Huh? 3 variable. 1 variable. Yes. 1 variable. Variable kya hai isme? The variable is x. How many terms are there? How many terms? Three terms. Yes, three terms. Everyone, please listen carefully, okay? 1 minute. Hanji, how many terms are there, beta? There are three terms. See on the screen, x square, two, minus 2x and 1. These are the three terms. And what is the degree here? Yes, who will tell? Degree? 2. X square 2. Yes. Degree is 2. I told you in the class that what is the degree of the polynomial? The maximum power of the variable. So here 2 is the maximum power. So 2 is the degree and this is the polynomial in one variable. Variable isme kaun sa hai? X. Ye x square, ye x square, one variable is the answer. Next. The coefficient of x square. Don't give the answer all of a sudden. Just raise your hand. X square ka coefficient. 1 minute. Anji Aditya, bolo. 2x. 2x. Aditya, x square ka coefficient. Yes, ma'am. 2. 2. 2. 2. Haan. अगर तो एमसीक्यू में है तो आपको दिख रहा है 2 मान लो 1 मार्क में आ जाए तो 2x लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा ठीक है सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 दिस इज सो इजी नेक्स्ट अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग इज यस इकजोत इकजोत कौर यस मैम आंसर क्या है मैम सी ऑप्शन डिग्री 20 ये देखो यहां पर 20 क्या है इन फर्स्ट पार्ट सारी चीज का पता होना चाहिए हेयर इन फर्स्ट पार्ट 20 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स राइट अच्छा मुझे ये बताओ बी पार्ट में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स आदित्य एक्स ओवर 1 सॉरी 1 ओवर 20 हां आदित्य क्या सो रहा है तू लेट लेट आंसर सही दे रहा है 1 ओवर 20 जिसको डाउट है प्लीज यू कैन रेज द हैंड एंड आस्क सो इन बी पार्ट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 ओवर 20 एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन द बायनोमियल ऑफ डिग्री 20 इज दिस सी पार्ट एक्स रेज टू पावर 20 प्लस 1 नेक्स्ट हाँ जी द डिग्री हेयर 4x क्यूब यस द डिग्री इज 3 क्वेश्चन नंबर 5 यस प्रणय x स्क्वायर माइनस x इज अ डैश पॉलीनोमियल प्रणय क्वाड्रेटिक ओके
लीनियर मैम मैम बी ऑप्शन व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक व्हाई इट इज नॉट लीनियर मैम बिकॉज पावर इज टू बिकॉज पावर तो वन भी है फिर लीनियर क्यों नहीं मैम डिग्री टू है हाईएस्ट पावर टू है मैम डिग्री टू है द हाईएस्ट पावर इज टू सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x square minus x is a quadratic polynomial because the maximum power is 2. Fine. Next, x minus x cube is a dash polynomial. Okay. Please raise your hand so that I can take your name. Dhiren. I'm cubic. Cubic polynomial. Those who are in the class, please pay attention, beta. ठीक है? X minus x. Excuse me, ma'am. Bolo. मैम वो 5 और 6 में मेरे को एक डाउट है किस क्वेश्चन में 5 और 6 में दोनों में बोलो बोलो डाउट क्या है मैम ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यों है लीनियर क्यों नहीं 5 लुक ऑन द बोर्ड फर्स्ट यू हैव x स्क्वायर माइनस x हियर द मैक्सिमम पावर इज व्हाट द मैक्सिमम पावर इज 2 यहां क्या है पावर 1 लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या है 2 तो अगर डिग्री मींस इन दिस पॉलीनोमियल द डिग्री इज व्हाट द डिग्री इज 2 इफ द डिग्री इज 2 देन दैट पॉलीनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ द डिग जैसे अगर ऐसे हो x plus 7 देन व्हाट टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इट इज अ लीनियर पॉलीनोमियल लीनियर क्यों क्योंकि डिग्री क्या है 1 अगर हो x plus x square plus 3x है ना अभी x plus 3x है ये कंबाइन हो जाएंगे हमारे पास बचा 4x plus x square so what type of polynomial it is a quadratic polynomial because the maximum power is 2 x minus x cube जो हमारा next question है x माइनस x क्यूब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x क्यूब प्लस x x क्यूब के साथ माइनस है तो माइनस x क्यूब सीधा आगे आएगा बट नो नीड टू राइट लाइक दिस बिकॉज़ हियर वी ओनली हैव टू टेल व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इट इज इसकी पावर 1 है इसकी पावर क्या है 3 सो द मैक्सिमम पावर इज 3 सो देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल वंशिका बोलो Unmute and speak, Panchika. मैंने आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था ठीक है उठ गए हो आप हाँ जी अभी उठी हो ठीक है अच्छी बात है चलो फिर आगे वाले आंसर ओके मैम जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया 1 plus 3x is what polynomial now? It is a linear polynomial. ठीक है? Now find out this. The value of fx is this and x is equal to minus 1. When x is equal to minus 1, what will be the value of fx? Means f of minus 1. 8th karo, 9th karo, hurry up. Solve it. मैम माइनस सिक्स मैम माइनस सिक्स फर्स्ट का ओके एट का आंसर है माइनस सिक्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑन द स्क्रीन यस द आंसर इज माइनस सिक्स मैम सेकंड का टू इफ एनीवन इज नॉट एबल टू फाइंड दिस माइनस सिक्स देन यू कैन रेज योर हैंड यू कैन आस्क बेटा और यू कैन ट्राई अगेन Ninth answer is two.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नाउ लुक ऑन द बोर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक 2x+7 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल रूट मींस जो भी उसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब उसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है जो भी पॉलिनोमियल गिवन है यू हैव टू इक्वेट इट विद जीरो सीधा fx इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज 2x+7 इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू -7/2 दिस वॉज वेरी सिंपल एज वी हैव डन दिस चैप्टर फ्यू मंथ्स अगो सो दैट्स वाई सम ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन हाउ टू फाइंड द जीरो जीरो पॉलिनोमियल का निकालने का मतलब है उसका रूट मींस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो जो भी पॉलिनोमियल है चुप करके उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना एंड देन यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई होप इट इज क्लियर नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट देखो 11 अ पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 डिग्री लीनियर वेरी वेरी सिंपल इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल प्लीज रेज योर हैंड हाँ जी आदित्य मैम बी या डी है मैम डी डी है सॉरी डी मैम डी 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 मैम सी है नहीं डी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल मैम डी क्या आंसर मैम डी डी मैम डी D for dog? Yes, ma'am. Okay, let us see. Answer is C. Now look on the board. Ma'am, C mein to root hai. Beta, upar 3/2 hai. Tum dekho idhar. I'll solve all the parts. Just 1 minute. Board pe dekhiye. I hope the board is visible. Yes, ma'am. Root 2x-1 root 2x-1 यहाँ पर 2 root में है इसका मतलब क्या है 2x raised to power 1/2 -1 2 की power भी 1/2 है x की power भी 1/2 है it means clearly it is not a polynomial because the power of the variable is in fraction ठीक है next आपके पास है x-1 x+1 इन्होंने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इट मींस ओनली 1 विल बी द आंसर क्योंकि 4 अलग ऑप्शंस है ए बी सी डी ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x कहाँ है डिनोमिनेटर में कुछ भी करोगे x नीचे आएगा ही आएगा सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल नेक्स्ट आपके पास है x² + 3x^3/2 नीचे रूट एक्स है रूट एक्स क्या होता है x^1/2 x² + 3 इसको देखो बेसिस आर सेम डिवीजन साइंस ऑफ पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड 3/2 -1/2 x² + 3x ये 2/2 अकेला x बच जाएगा तो थ्री पार्ट क्या बनेगा x² + 3x फोर्थ पार्ट देखो अगर आपने कहा फोर्थ पार्ट आपने कैसे कह दिया उसमें तो ये है x² / 2 - 2/x² ये x स्क्वेयर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में आएगी यस और नो अपरन एक्सक्यूज मैम हाँ बोलो
मैम थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपने कैसे की उन्होंने देखो सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन बेटा देखो क्या है आपके पास एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अगर इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम इसको आप सॉल्व कर सकते हो आप रैशनलाइज कर सकते हो और तो कोई तरीका नहीं है या तो एक्स ऐसे करो एक्स माइनस वन बाय एक्स ओवर एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन अलग अलग करोगे तब भी डिनोमिनेटर में एक्स है रैशनलाइज करते हो तो एक्स माइनस वन स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन वट एवर यू डू यू विल गेट एक्स इन द डिनोमिनेटर चाहे x की पावर 2 आ जाए चाहे x की पावर 1 नहीं रहे इफ इफ द वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर देन इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल समझ आ रही है इज इट क्लियर सो देखते ही पता चल रहा है सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में ठीक है 3 बाय 2 नीचे 1 बाय 2 है तो वो आपने देखना है यू है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पर लग के फाइन देखते कुछ पूछना है मैम मैम आपने कल बताया था ना कि वेरिएबल जो होना चाहिए वो क्या होता है फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए था हाँ तो वेरिएबल फ्रैक्शन में कहाँ है सॉल्व भी तो किया है ना कहाँ गया वो थर्ड पार्ट देखो 3 बाय 2 में से 1 बाय 2 माइनस कर दिया तो 2 बाय 2 1 आया वेरिएबल फ्रैक्शन में कहाँ रहा हमारे पास तो ये बच गया सॉल्व करने के बाद सीधा सीधा थोड़ी तुम्हें दे देंगे क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा इन फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन फ्यू क्वेश्चन देयर विल बी डायरेक्ट ऑप्शन ओके चलो नेक्स्ट देखो रूट थ्री इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डैश कैसा परन मैम जीरो कल परसों बताया था दैट इफ यू हैव अ कांस्टेंट नंबर तो उसकी डिग्री क्या होती है जीरो ये देखो आंसर इज बी रूट थ्री के साथ क्या लगा हुआ है एक्स रेज टू पावर जीरो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन तो रूट थ्री की जो डिग्री है वो जीरो है इफ एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क म्यूट करो धीरे हैं मैम एक मिनट हाँ बोल मैम रूट थ्री में तो रूट लगा हुआ तो फिर वो पॉलीनोमियल कैसे हो गया बेटा रूट वेरिएबल में नहीं होना चाहिए क्लास में होता तो है तू तुझे फिर नहीं समझ आ रहा ये देखो बोर्ड पे जो पॉलिनोमियल दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन अगर आपके पास हो रूट एक्स फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है ठीक है यहाँ पर आपके पास क्या है रूट थ्री अगर तेरे पास हो थ्री एक्स इज इट अ पॉलिनोमियल यस इट इज अ पॉलिनोमियल तो अगर आपके पास है रूट थ्री एक्स एक्स की पावर क्या है वन इट इज अ पॉलिनोमियल यस इट इज अ पॉलिनोमियल हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज रूट थ्री तो इसी तरह से बेटा अगर सिंपल सेवन Only number 7, is it a polynomial? Yes, it is a constant polynomial. What is the degree here? X raised to power 0. So degree kya hai? 0. इसी तरह से अगर बेटा आपके पास root में कोई number है, तो उसके साथ variable क्या है? X raised to power 0. अगर कोई variable नहीं लिखा, इसका मतलब variable क्या है? X raised to power 0. Thereby the degree is 0. अगर वेरिएबल रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है अगर नंबर रूट में है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है ठीक है फाइन धीरेन ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द डिग्री सॉरी व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है नॉट डिफाइन तो ठीक है ओके जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है आदित्य व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल ओके हु विल टेल मी अपरन यस ये बस दो चार ही बच्चे हैं बाकी सारे क्या कर रहे हैं मैम नॉट डिफाइंड मैम जो एक्स की वैल्यू फिर करके हमारे पास आंसर जीरो आए यस जीरो पॉलिनोमियल पूछा बेटा मैंने मैम जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो
व्हाट इज द नंबर, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इनमें से जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, नंबर जीरो, जीरो जीरो नंबर जीरो इज द जीरो, अगर डिग्री हटा दें, डिग्री वर्ड हटा दें, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, जीरो मैम, नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे इन आवर क्लास, सो द डिग्री इज डी, नॉट डिफाइंड. चलो ये करो, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, अरे अब solve it and then raise your hand. Ma'am, 120. Who is this? Ma'am, look. Mute yourself if there is 100. Anji, 100? 120. 120. Okay, fine. See this answer. Answer is C. 120. मैंने 120 बोला था. Okay. We have 7x to the power 4 plus 3x square minus 4 and the value of x is given to you minus 2. 7 into minus 2 raised to power 4 plus 3 into minus 2 square minus 4. 7 into minus power 4 hai to plus ho jayega. 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16 plus 3 into 4 minus 4. ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है माइनस वन. नेक्स्ट का आंसर है जी 17 क्वेश्चन. द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना. यस अपरन मैम वन. यस सी 9x, 9 इज इक्वल टू 9x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाय 9, दैट इज 1 नॉट माइनस 1. इफ एनी डाउट यू कैन बोलो मैम, पर उधर जा, मैम पर उधर जाके माइनस 9 नहीं हो जाएगा बेटा, इधर देखो बोर्ड पे, बिना देखे बिना सॉल्व किए नहीं आंसर देना, अगर बिना सॉल्व किए फटाफट से आंसर दोगे फिर तो गलत ही होना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है. आपके पास क्या है, px is minus 9x plus 9. Whenever you have to find the zero of the polynomial, तो ये जो polynomial है, इसको zero के equal equate करना है. मतलब minus 9x plus 9 is equal to zero. अब चाहे 9 को उधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओगे तो minus 9, उसको minus क्यों लेके करना, minus वाली term को right hand side पे लेके जाओ, ये क्या बन जाएगी plus 9x, zero plus 9x is 9x only. So 9, ये 9 नीचे आएगा, x 9 by 9 is 1. Okay, ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये. नाउ रूट 12 इंटू रूट 5, गिव मी द आंसर.
मैम 6√5 सोचने दो सिक्स रूट फाइव कहा है आपने सिक्स रूट फाइव यस द आंसर इज सिक्स रूट फाइव बोर्ड पे देख लो बेटा इफ इट इज नॉट क्लियर टू एनी वन रूट ट्वेल्व इंटू रूट फिफ्टीन या तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ जाएगा फिर उसके फैक्टर्स बनाओ वो बहुत लंबा मेथड है ठीक है इसको लिख सकते हो 2 into 3 into 5 ठीक है रूट में है दोनों तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं एक 2 बाहर एक 3 बाहर सो आंसर इज 6√5 नेक्स्ट ओके फाइन नाउ सी बेटा इफ y रेज टू पावर 97 प्लस 9 बोर्ड पे देखिए लुक ऑन द बोर्ड ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज इफ y रेज टू पावर 97 प्लस 97 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर इन दिस एक्सरसाइज 2.123 रिमाइंडर थ्योरम यू हैव फैक्टर थ्योरम ठीक है उसके बाद लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको यू हैव टू परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन दैट विल कम इन 3 marks or 4 marks ये देखो ये एमसीक्यू का आंसर कैसे निकलेगा यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर कैसे रिमाइंडर निकालते हैं ये हमारा डिविडेंड है उसको हमने किससे डिवाइड करना है बाय प्लस 1 से हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर वॉट एवर द नंबर इज विद विच यू हैव टू डिवाइड आपने उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 जो y की वैल्यू आती है उसको इसमें पुट कर देना है माइनस 1 रेज टू पावर 97 प्लस 97 यू नो दैट इफ नेगेटिव साइन इज हैविंग इवन पावर माइनस की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव बनता है माइनस की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव सो माइनस 1 रेज टू पावर 97 विल बी क्लियरली इक्वल टू माइनस 1 प्लस 97 द आंसर विल बी 96 आंसर विल बी 96 लेट अस चेक यस इज इट क्लियर नेक्स्ट देखो इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ द k इज क्या करोगे ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है x प्लस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करो x की वैल्यू इसमें पुट करो और एंड देन इक्वेट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k हरी अप टेल मी द आंसर Yes, who will tell? Yes, Ikjot. M2. Yes, the answer is 2. Board pe dekhiye please. Now this x plus 1 is the factor of this. It means अगर जो factor होता है उसको 0 के equal equate करो you will get x minus 1. जब x की value minus 1 आ गई उसको यहाँ put करके इसको 0 के equal मतलब this is the polynomial. Since this is the factor so this is divisible by this. It means p of minus 1 is equal to 0. Plus minus minus k is equal to 0. 2 minus k is equal to 0. K is equal to 2. If any polynomial is the factor of any other polynomial and you have to find the value of a k,
कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर एंड इक्वेट द गिवन पॉलीनोमियल इक्वल टू जीरो. ओके, any doubt to anyone? So we will continue with this polynomial tomorrow in the class. Okay beta, so all of you take care. Mam, kal offline class hai. Kab? Kal offline class hai. Yeah, bilkul hai. Okay ma'am. Okay beta, kal offline hi hai classes beta. तो फिर क्लास में करेंगे. एंड प्लीज रिवाइज दिस बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू कॉल यू ऑन द बोर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फाइन, टेक केयर नाउ. मैम, मैम बोलो, हमें परसों हॉलिडे है. डायरी में देखो बेटा, मेंशन डायरी. मैम डायरी तो है नहीं. मैं क्लास एंड करने लगी हूँ बेटा, आपके क्वेश्चंस नहीं और खत्म होने. Anyone else? मैं बता दो कल छुट्टी है परसों. बेटा डायरी देखो, मुझे क्या पता है छुट्टी परसों. छुट्टी आज की छुट्टी तो पहले तुम लोग कर लो जरा हजम. छुट्टी की पड़ गई है, पढ़ाई पढ़ना नहीं है. चलो टेक केयर, सी यू टुमारो.